नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक तथा शुंग वंश के सबसे प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और इस मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य जैसे महान शासक हुए, परंतु सम्राट अशोक मौर्य की मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि मौर्य वंश के शासक जो अत्यंत ही कमजोर सिद्ध हुए और वो विशाल मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सके। छात्रों, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईस्वी पूर्व, छात्रों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश को समाप्त करके और शुंग वंश की स्थापना की गई। तो छात्रों, आज हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छात्रों, शुंग वंश की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, शुंग वंश की जानकारी हमें पुराणों के माध्यम से तथा बौद्ध ग्रंथ के माध्यम से तथा शुंग वंश के जो शिलालेख हैं उनके माध्यम से हमें शुंग वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम हम शुंग वंश की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, और उसके बाद में हम पुष्यमित्र शुंग तथा उसकी उपलब्धियों के बारे में, वे उसकी धार्मिक जो नीति थी पुष्यमित्र शुंग की, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छात्रों, शुंग वंश की जानकारी के स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है छात्रों, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से, शुंग वंश की जानकारी के स्रोत। शुंग वंश की जानकारी के स्रोत, तो छात्रों, जो शुंग वंश है इसकी जानकारी हमें किस किस से मिलती है? पहला स्रोत है पुराण। ये वैदिक धर्म ग्रंथ है पुराण, अर्थात हिंदू धर्म के जो ये 18 पुराण है हिंदू धर्म के अंदर, तो 18 पुराणों में से जो मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये तीन पुराण है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये तीन पुराण है जो शुंग वंश की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो छात्रों, इसमें आपको ध्यान रखना है पुराण कौन कौन से हैं। तो मत्स्य पुराण, पहला पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और दूसरा जो पुराण है वो कौन सा है? वायु पुराण। कौन सा पुराण छात्रों? वायु पुराण। और तीसरा जो पुराण है वो है ब्रह्मांड पुराण। तो ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, ये तीन पुराण है, ये हमें शुंग वंश की जो हमें जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही छात्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, तो ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से भी हमें जो शुंग वंश की जानकारी प्रदान होती है। और ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से? मालविका अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम का जो राइटर है वो कौन है? कालिदास, महाकवि कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम नामक जो नाटक लिखा गया संस्कृत भाषा में, इस नाटक द्वारा भी हमें शुंग वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो कालिदास का ये नाटक है, तो कालिदास के इस नाटक से हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य दूसरा जो ग्रंथ है, महाभाष्य ये व्याकरण ग्रंथ है। किस प्रकार ग्रंथ है छात्रों? व्याकरण ग्रंथ है। इसका जो राइटर है वो कौन है? पतंजलि। तो पतंजलि की इस ग्रंथ के से भी हमें जो शुंग वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला जो ग्रंथ है शुंग वंश की जानकारी प्रदान करने वाला, हर्ष चरित्र मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है छात्रों, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। और किसका है? बाणभट्ट। वैसे छात्रों, इसके अंदर विशेषता है तो जो पुष्य बुद्धि वंश अर्थात जो वर्धन वंश के राजा हैं हर्षवर्धन, उनकी ये जानकारी देता है, परंतु इसके अंदर हमें जो शुंग वंश की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों, थेरावली नेरुतुंग का जो ग्रंथ है, थेरावली नामक जो ग्रंथ है, किसने लिखा?
मेरुदंड नाम के विद्वान है जिनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया, और इस ग्रंथ से भी हमें जो तत्कालीन समय के शुंग वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो हमें जानकारी होती है स्मृति, जो स्मृति ग्रंथ है स्मृति, स्मृति छात्रों स्मृति कौन सा स्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति, और मनुस्मृति का राइटर कौन है, आचार्य मनु, वो किसने लिखा छात्रों, आचार्य मनु, तो आचार्य मनु द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई। तो मनुस्मृति के माध्यम से भी हमें तत्कालीन समय के शुंग वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों बोध ग्रंथ, बोध ग्रंथ, बोध ग्रंथों के माध्यम से भी हमें जो तत्कालीन शुंग वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बोध ग्रंथ कौन कौन से, दिव्यावदान, पहला बोध ग्रंथ कौन सा है, दिव्यावदान, और दूसरा कौन सा है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, मूलकल्प, तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक जो ग्रंथ है और दिव्यावदान नामक जो ग्रंथ है, बोध ग्रंथ है दोनों, इनके माध्यम से हमें तत्कालीन समय के शुंग वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा, जो मुद्रा है और शुंग वंश की जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं से भी हमें जो शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों शुंग वंश, शुंग कालीन मुद्राएं हमें कौशाम्बी मथुरा, शुंग कालीन मुद्राएं कौशाम्बी मथुरा कहाँ से प्राप्त हुई छात्रों, एक कौशाम्बी से हमें प्राप्त हुई है, मथुरा से हमें प्राप्त हुई है, और अहिछत्रपुर से, कहाँ से, अहिछत्रपुर, तो यहाँ से हमें जो शुंगकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है, कहाँ से, कौशाम्बी से, मथुरा से तथा अहिछत्रपुर से, तो इनसे भी हमें तत्कालीन समय के शुंग वंश की जानकारी, तत्कालीन समय के शुंग वंश की आर्थिक स्थिति की हमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत छात्रों, पुरातात्विक जो स्रोत है अर्थात जो उनके माध्यम से पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोतों के अंदर क्या आता है छात्रों, एक तो मुद्रा आती है, क्या आता है पुरातात्विक स्रोतों के अंदर छात्रों, मुद्रा, भवन, भग्नावशेष, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, शिलालेख, अब जैसे हम अभिलेख कहते हैं, अभिलेख, जिसमें अभिलेखों को 5 भाग में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, तो ताम्रलेख, तो इनके माध्यम से हमें जो प्राचीनतम भारत की जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर छात्रों एक तो पुरातात्विक स्रोतों में दो ऐसे पुरातात्विक स्रोत है, कौन कौन से, जैसे मुद्रा, वह दूसरा कौन सा छात्रों की अभिलेख, तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर कौन सा छात्रों, अभिलेख, अभिलेखों के माध्यम से भी हमें जो जानकारी मिलती है, और कौन कौन से अभिलेख है उसके बारे में देखते हैं हम छात्रों, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, तो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख ये कहां से प्राप्त हुआ छात्रों, ये हुआ बेस नगर अर्थात विदिशा, कहां से प्राप्त हुआ, विदिशा, तो विदिशा कहां पर आता है छात्रों, विदिशा था बिहार के अंदर, बिहार के, सॉरी ये प्राप्त हुआ छात्रों विदिशा, विदिशा कहां आता है, मध्य प्रदेश के अंदर, कहां आता है, मध्य प्रदेश, और वैशाली जो नगर है कहां आता है, बिहार के अंदर आता है। तो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है। इसके अतिरिक्त भरहुत अभिलेख, भरहुत अभिलेख कौन सा अभिलेख, भरहुत, तो भरहुत अभिलेख, भरहुत कहां पर आता है छात्रों, भरहुत भी कहां आता है, मध्य प्रदेश के अंदर, कहां आता है, मध्य प्रदेश के अंदर। अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, और अयोध्या अभिलेख, तो अयोध्या कहां पर आता है, अयोध्या आता है छात्रों, अयोध्या का अभिलेख कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर, कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश। तो ये छात्रों जो ये गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, भरहुत अभिलेख तथा अयोध्या अभिलेख, ये हमें तत्कालीन समय के जो शुंग वंश की हमें जानकारी प्रदान करता है। तो छात्रों शुंग वंश की हमें जानकारी किन किन स्रोतों के माध्यम से होती है, हमें ये होती है पुराणों के माध्यम से होती है, और कौन से पुराण हमें शुंग वंश की जानकारी देता है छात्रों, तो इसमें आप देखिए कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम तथा सबसे प्रमाणिक पुराण कहलाता है, मत्स्य पुराण, ये हमें शुंग वंश की जानकारी प्रदान करता है। वायु पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण के माध्यम से हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में बाद में छात्रों की बोध ग्रंथ, जो बोध ग्रंथ है दिव्यावदान तथा आर्य मंजू मूल
आर्य मंजूश्री मूलकल्प, कौन कौन से बोध ग्रंथ है? बोध ग्रंथ दिव्यावधान तथा आर्य मंजूश्री मूलकल्प। तो ये जो बोध ग्रंथ है ये भी हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष के तत्कालीन समय के जो शुंग वंश की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। छात्रों ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से तो कालिदास का जो मालविका अग्निमित्रम नामक जो ऐतिहासिक ग्रंथ है इसके माध्यम से हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों इस ग्रंथ के अंदर शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग तथा उनके पुत्र जो उनका शक्तिशाली पुत्र है अग्निमित्र उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। मालविका अग्निमित्रम जो एक नाटक है और संस्कृत भाषा में लिखा गया, इस नाटक के अंदर शुंग वंश के शासक अग्निमित्र तथा उनकी प्रेमिका जो उनकी प्रेमिका मालविका तथा अग्निमित्र की जो पत्नी है ईरावती तो इनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अग्निमित्र शुंग तथा मालविका के प्रेम प्रसंग, अग्निमित्र शुंग तथा ईरावती जो अग्निमित्र की पत्नी ईरावती तो इनकी हमें जानकारी जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? मालविका अग्निमित्र से। पतंजलि, ये पतंजलि छात्रों पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग उनके ये पुरोहित थे और पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ करवाए गए तो उसके अंदर पुरोहित का कार्य किसने किया? ये पतंजलि द्वारा पुरोहित का कार्य किया। ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और इन्होंने महाभाष्य नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इस व्याकरण ग्रंथ में हमें इस व्याकरण ग्रंथ से हमें शुंग वंश की जानकारी तथा शुंग वंश के समय जो यवन आक्रमणकारियों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था तो उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। छात्रों बाणभट्ट का, बाणभट्ट नामक विद्वान ने हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ लिखा, मेरुदंड ने थेरावली लिखा, तो इन ग्रंथों के माध्यम से भी हमें जो शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों इसके अतिरिक्त हमें जो शुंग काली जो पुरातात्विक स्रोत है जैसे अभिलेख वे मुद्राएं तो इनके माध्यम से भी हमें जो शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के बेस नगर अर्थात विदिशा के अंदर ये स्थित है। भरभूत अभिलेख ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अयोध्या अभिलेख ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। तो इन अभिलेखों के माध्यम से भी हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों शुंग वंश के समय की जो हमें मुद्राएं प्राप्त होती है कहां से हुई है? कौशाम्बी मथुरा तथा अहिछत्रपुर। कहां से हुई है? कौशाम्बी अहिछत्रपुर तथा मथुरा से हमें ये मुद्राएं प्राप्त हुई। तो इन निम्नलिखित सामग्री निम्नलिखित साहित्यिक तथा जो पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से हमें तत्कालीन शुंग वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। छात्रों इस प्रकार से जो शुंग वंश की हमने जानकारी प्राप्त की अब हम देखते हैं शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है? पुष्यमित्र शुंग। तो छात्रों पुष्यमित्र शुंग में इसकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक स्थापना कब की थी? 184 ईस्वी पूर्व, 184 ईस्वी पूर्व स्थापना, 184 ईस्वी पूर्व। धर्म जो पुष्यमित्र शुंग था इसका धर्म कौन सा था? इसका धर्म था वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का ही अनुयायी था अर्थात हिंदू धर्म का अनुयायी था। वंश किस वंश का था छात्रों? ये था ब्राह्मण। किस वंश का था छात्रों? ब्राह्मण वंशी, ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण था ये। छात्रों राजधानी, राजधानी पाटलिपुत्र और उसके बाद में शुंग वंश की राजधानी विदिशा, पहले पाटलिपुत्र में विदिशा। छात्रों राज्य कहां इसने राज्य किया? राज्य मगध, मगध पर जो शुंग वंश के शासक है पुष्यमित्र शुंग द्वारा राज्य किया गया। इसके अतिरिक्त 184 ईस्वी पूर्व, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, 184 ईस्वी पूर्व
मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने, पुष्यमित्र सुंग ने मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। तो छात्रों, जो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? वो है पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र सुंग वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म का अनुयायी था। ये जो ब्राह्मण वंशीय शासक था और इसके राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और बाद में विदिशा थी बनी। छात्रों इसने मगध पर राज्य किया तथा 184 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, और इसने मगध में शुंग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से छात्रों, ये जो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? ये है पुष्यमित्र सुंग। तो इसने क्या किया छात्रों? बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की। छात्रों, शुंग वंश की उत्पत्ति कि शुंग कौन थे? ब्राह्मण, हमने बताया आपको कि ब्राह्मण थे शुंग, लेकिन अलग अलग विद्वान जो अलग अलग बताते हैं इसके लिए कि शुंग कौन थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सर्वाधिक जो अधिकांश जो विद्वान क्या बताते हैं, ये ब्राह्मण वंशीय थे। तो छात्रों, हम देखते हैं शुंग वंश की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वान जो अलग अलग तर्क देते हैं। तो क्या क्या तर्क देते हैं उनके बारे में देखते हैं हम कि बाण भट्ट नाम का विद्वान क्या बताता है। बाण भट्ट इस विद्वान ने अपने ग्रंथ हर्ष चरित्र में एक स्थान पर पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। एक स्थान पर पुष्यमित्र सुंग को अनार्य कहा है। दिव्यावदार बौद्ध ग्रंथ है छात्रों, दिव्यावदार। इस बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र सुंग को मौर्य वंश का बताया गया है। तारानाथ लामा यह शुंग शासकों को ब्राह्मण बताता है। यह शुंग शासकों को ब्राह्मण बताता है। हरिवंश
हरिवंश। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र को पुष्यमित्र को काश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इसने कलयुग में दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। छात्रों, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। छात्रों, कालिदास मालविका अग्निमित्र का इसने अपने ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम में शंखशास्त्रों को वैदिक कुल का शंखशास्त्रों और किसे पुष्यमित्र शास्त्रों को वैदिक गोत्र का बताया है पाणिनी इसने पाणिनी इसने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। इसने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अतः स्पष्ट होता है कि शुंग शासक ब्राह्मण वंशीय थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोका। बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। छात्रों, जो शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वान ने अपने विभिन्न अलग अलग अपने मत जो प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत बाण भट्ट नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में एक स्थान पर
पुष्य मित्र सुंग को अनार्य कहा है। तो बाणभट नामक विद्वान ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हर्षचरित्र नामक ग्रंथ लिखा। और इस हर्षचरित्र नामक ग्रंथ में वो एक स्थान पर जो पुष्य मित्र सुंग है, जो सुंग वंश के संस्थापक है पुष्य मित्र सुंग, उनको क्या बताता है? अनार्य बताता है। कौन बताता है? बाणभट नामक विद्वान। तो ये अनार्य बताता है। दिव्यावदान, दिव्यावदान किस प्रकार का ग्रंथ है छात्रों? ये बोध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बोध ग्रंथ है। तो इस बोध ग्रंथ में पुष्यमित्र सुंग को मौर्य वंश का बताया है। दिव्यावदान जो शास्त्र जो ग्रंथ है इसके अंदर पुष्यमित्र सिंह को, पुष्यमित्र सुंग को क्या बताया गया? मौर्य बताया गया है। छात्रों लामा तारानाथ ये सुंग शास्त्र को क्या बताता है? ब्राह्मण। लामा तारानाथ जो तिब्बत के विद्वान है, तिब्बत के ये प्रसिद्ध विद्वान है और इन्होंने कंग्यूर तंग्यूर नामक जो ग्रंथ लिखे हैं छात्रों, और ये लामा तारानाथ है ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं ब्राह्मण। किसे बताते हैं? सुंगवंशीय शासकों को। हरिवंश, ये हरिवंश नाम का जो ग्रंथ है छात्रों, इस ग्रंथ के अंदर पुष्यमित्र सुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। कौन सा ब्राह्मण बताया गया है? कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया तथा पुष्यमित्र सुंग के बारे में ये कहा गया कि इसने कलयुग के अंदर दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो कलयुग के अंदर दो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला तथा कश्यप गोत्र के, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण जो पुष्यमित्र सुंग को बताया गया है इसके अंदर हरिवंश नामक ग्रंथ के अंदर। कालिदास, तो कालिदास नामक विद्वान है, इन्होंने मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ के अंदर पुष्यमित्र को वैम्पिक गोत्र का ब्राह्मण बताया। कौन से गोत्र का बताया? वैम्पिक गोत्र का इन्होंने ब्राह्मण बताया। तथा पाणिनि, इन्होंने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, जो पाणिनि नामक विद्वान है इन्होंने क्या किया कि जो भारद्वाज गोत्र के जो ब्राह्मण किसे बताया? शुंगवंशी जो शासक है, तो शुंगवंशी शासकों को इसने क्या कहा है? ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण इसने बताया। तो इस प्रकार से छात्रों जो शुंगवंश है, शुंगवंश की जो संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग था और 184 ईस्वी पूर्व इसने शुंगवंश की स्थापना की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो पुष्यमित्र सुंग द्वारा 184 ईस्वी पूर्व मगध में शुंगवंश की स्थापना की गई, ये ब्राह्मण वंश का था। तो छात्रों इसकी जो राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र और बाद में जो राजधानी कौन सी हुई? विदिशा। मगध जो इसकी मगध साम्राज्य पर इसने राज्य किया और ये जो उसकी उत्पत्ति के जो स्रोत हैं अर्थात शुंगवंश की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं बाणभट्ट, दिव्यावदान नामक ग्रंथ, लामा तारानाथ, हरिवंश नामक ग्रंथ, कालिदास नामक विद्वान, पाणिनि के, तो ये क्या है ये बताते हैं कि इन ग्रंथों से तथा इन विद्वानों के कथन से ये सिद्ध हो जाता है कि ये अतः स्पष्ट होता है कि शुंग शासक कौन थे? ब्राह्मण वंशीय थे। शुंग शासक ब्राह्मण वंशीय थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका तथा वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। इस प्रकार छात्रों जो शुंगवंश है, शुंगवंश के शासक है, शुंगवंश की जो शासक है पुष्यमित्र शुंग, तो इनके बारे में ये जो हमें जानकारी मिलती है तथा शुंगों की उत्पत्ति के बारे में हमें इस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। छात्रों अब हम देखते हैं कि शुंगवंश की जो स्थापना हुई तो उस स्थापना के बारे में जो हमने देखा कि 184 ईस्वी पूर्व शुंगवंश की स्थापना हुई। अब जो शुंगवंश की स्थापना, शुंगवंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना, पुराणों व बाणभट्ट के हरिश्चंद्र के अनुसार, हरिश्चरित्र के अनुसार पुराणों व बाणभट्ट के ग्रंथ, हर्षचरित्र के अनुसार शुंग अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को
इसके सेनापति बृहदत्त का सेनापति था, इसके सेनापति पुष्यमित्र ने 184 ईस्वी पूर्व मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। तो छात्रों, पुराणों तथा जो बाण भट्ट का जो ग्रंथ है हरिश्चरित्र, उसके अनुसार जो मौर्य वंश के अंतिम शासक है बृहद्रथ, इनकी हत्या करके और पुष्य जो इनका सेनापति है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईस्वी पूर्व मगध में क्या किया, सुंग वंश की स्थापना की। छात्रों, पुराणों में बाण भट्ट के ग्रंथ हरिश्चरित्र के अनुसार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को इसके सेनापति पुष्यमित्र ने 184 ईस्वी पूर्व मारकर मगध में सुंग वंश की स्थापना की। छात्रों, जो पुष्यमित्र सुंग की उपाधि के बारे में देखते हैं, पुष्यमित्र सिंह की उपाधियां तो पहली उपाधि कौन सी थी छात्रों सेनानी और दूसरी उपाधि थी इसकी, उसका नाम था ओद भिज्ज। तो ओदभिज ये दूसरी उपाधि है और ओदभिज का अर्थ क्या होता है छात्रों, अचानक उठने वाला। इस उपाधि का अर्थ अचानक उठने वाला, अचानक उठने वाला इस उपाधि का उल्लेख इस उपाधि का उल्लेख हरिवंश पुराण में किया गया है। हरिवंश पुराण में किया गया है। हरिवंश पुराण में किया गया है छात्रों, इसके अतिरिक्त जो दूसरी उपाधि उसकी वो है दुर्सौमेध दयाजिन द्विस्वर मेध दयाजिन, ये जो इसकी उपाधि है छात्रों, इसका अर्थ होता है दो अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला। इस उपाधि का अर्थ दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करने वाला, दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करने वाला इस उपाधि का उल्लेख इस उपाधि का उल्लेख कहां मिलता है छात्रों, अयोध्या शिलालेख। इस उपाधि का उल्लेख अयोध्या शिलालेख में इस उपाधि का उल्लेख अयोध्या शिलालेख में मिलता है छात्रों। सुंग वंश की स्थापना पुराणों में बाण भट्ट के ग्रंथ हर्षचरित्र के अनुसार अंतिम शासक बृहद्रथ
जो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व शुंग वंश की स्थापना की। और पुष्यमित्र शुंग की उपाधियां कौन सी थी? सेनानी। प्रथम उपाधि कौन सी थी छात्रों? सेनानी। तथा तो दूसरी उपाधि है इसकी ओदभिज्ज। ओदभिज्ज उपाधि का जो अर्थ क्या होता है छात्रों की? इस उपाधि का अर्थ होता है अचानक उठने वाला। तो ओदभिज्ज उपाधि का अर्थ क्या होता है? अचानक उठने वाला। और इस ओदभिज्ज उपाधि का उल्लेख हमें मिलता है हरिवंश पुराण नामक जो ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में के अंदर हमें पुष्यमित्र शुंग की उपाधि ओदभिज्ज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है छात्रों। इसकी जो तीसरी उपाधि है कौन सी उपाधि छात्रों? तीसरे नंबर की उपाधि वो है द्विसर मेधियाजिन। कौन सी? द्विसर मेधियाजिन। इस उपाधि का अर्थ है दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करने वाला। और क्या होता है इसका अर्थ? दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करने वाला। और इस उपाधि का उल्लेख हमें मिलता है अयोध्या के शिलालेख। किस शिलालेख से मिलता है? अयोध्या के शिलालेख से हमें जो इस उपाधि का अर्थ जो उल्लेख हमें मिलता है।